ईट इमेजेस पर आपका स्वागत है। आज हम प्रेशर कुकर में बहुत कम समय में दही जमाना सीखेंगे। इस तरीके से दही को हम सिर्फ 3 घंटे में परफेक्ट तरीके से घर पर जमा सकते हैं। तो आप भी इस तरीके से अगर दही जमाओगे तो बहुत जल्दी आपका दही जमकर तैयार हो जाएगा। और इस नए तरीक़ों को अगर आपको पसंद आए ये नया तरीका तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और सब्सक्रिप्शन ऑफ अ चैनल इज़ टोटली फ्री, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं दही जमाने का प्रोसेस प्रेशर कुकर में। तो दही जमाने के लिए मैंने यहाँ पर 0.5 लीटर दूध लिया है। किसी भी क्वालिटी का दूध आप ले सकते हो, जो भी आपके घर में आता हो वही दूध लेना है। तो ये जो दूध है इसे मैंने पहले गर्म कर लिया है, तो अब ये ठंडा हो चुका है। तो दही जमाने के लिए हमें गर्म किए हुए दूध का ही यूज़ करना है, कच्चे दूध का यूज़ नहीं करना है। अगर आप रो मिल्क का यूज़ कर रहे हो तो पहले आपको दूध को जो है गर्म करना होगा, उसका एक उबाल लेना होगा, फिर उसे रिक्वायर्ड टेम्परेचर तक ठंडा करना होगा। तो ये क्योंकि अब गर्म किया हुआ दूध है तो हमें इसे उबाल लेने की ज़रूरत नहीं है। और दही को जमाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून जामुन लेना है हमें। तो जामुन बेसिकली उस थोड़े से दही को कहा जाता है जिसे कि हम दही जमाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये दही ही है। तो जब भी आप घर में दही जमाते हो तो जो दही हो उसमें से थोड़ा सा दही आप अलग से निकाल लीजिए नेक्स्ट टाइम दही जमाने के लिए, या अगर आप फर्स्ट टाइम दही जमा रहे हो तो मार्केट से लाया हुआ दही में से थोड़ा सा दही अलग निकाल लीजिए जामुन के तौर पर। तो ये 1 टीस्पून हमें चाहिएगा। तो अब हम गैस पर दूध को रख कर इसे हल्का सा गर्म करेंगे, कुछ सेकेंड्स के लिए ही हमें इसे गर्म करना है। ये देखिए तकरीबन 50 सेकंड हो चुके हैं। तो अब यहाँ हम गैस बंद कर देंगे और दूध हमें इतना ही गर्म चाहिए, नोया नोया ही, मतलब वार्म मिल्क चाहिए हमें। और ये टेस्ट करने के लिए आप थोड़ा सा कुछ बूंदे दूध के अपने हाथे हथेली पर डालकर देख लीजिए, अगर आपको हल्का सा गर्म महसूस हो तो ये परफेक्ट है। बट अगर आपका हाथ जलने लगे तो थोड़ा सा आपको इसे ठंडा करना होगा। तो अब यहाँ हम इसमें जामुन डालेंगे, 1 टीस्पून दही डालेंगे और इसे हम हल्का सा मिक्स कर देंगे, ज़्यादा मिक्स नहीं करना है हमें, बस अब ये परफेक्ट है। यहाँ अगर दूध कम खट्टा हो तो आप इसमें 2 चम्मच डालिएगा जामुन को। और यहाँ गैस पर मैंने एक प्रेशर कुकर रखा है जिसे कि हम मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए गर्म करेंगे। ये देखिए जब आप इस तरह से कुकर के ऊपर हाथ रखोगे तो आपको एक भीनी भीनी सी हीट महसूस होनी चाहिए। तो यहाँ मुझे हल्की हल्की हीट महसूस हो रही है, तो ये परफेक्ट है। यहाँ हम गैस बंद कर देंगे। प्रेशर कुकर को मैंने गैस पर से उतार लिया है और जिस बर्तन में हमने दही जमाया है तो वो बर्तन हम इसमें रख देंगे। और अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसे साइड में रख देंगे। और अब हम प्रेशर कुकर को साइड में रख देंगे कुछ घंटों के लिए। देखिए तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं, तो अब मैं प्रेशर कुकर का ढक्कन खोलूंगी। ये देखिए हमारा दही बिल्कुल अच्छे से जम चुका है, तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे। और ये देखिए हमारा एकदम अच्छा गाढ़ा दही बहुत कम समय में जमकर तैयार हो चुका है। इसके ऊपर का ये जो पानी दिख रहा है इसे हम निकाल लेते हैं। और ये देखिए हमारा एकदम परफेक्ट, ये देखिए कितना अच्छा दही जमा है। और इसे जमने में सिर्फ जो है 3 घंटे का ही समय लगा है। तो आप भी इस तरह से अगर दही जमाओगे तो बहुत जल्दी और बहुत कम समय में आपका एकदम परफेक्ट दही जमकर तैयार होगा। और ये एकदम अच्छा दही है। बस आपको कुछ ही बातों का ध्यान रखना है कि दूध को आप बहुत ज़्यादा गर्म ना करें। अगर ज़्यादा दूध गर्म हो जाएगा तो दूध जो है दही जमने की जगह दूध फट सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। साथ ही प्रेशर कुकर को भी आप सही से गर्म करिएगा। जब आप कुकर के ऊपर अपना हाथ रखोगे एक मिनट के लिए तो उसमें आपको भीनी भीनी सी हीट महसूस होनी चाहिए। अगर आपको ज़्यादा हीट महसूस हो रही हो तो आपको कुकर को थोड़ा सा ठंडा करना पड़ेगा। बस इन्हीं 2 बातों का आपको ध्यान रखना है और आपका दही प्रेशर कुकर में सिर्फ 3 घंटे में जमकर तैयार हो जाएगा। तो आई होप कि आप भी इस तरह से दही जमाओगे। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी, मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन ऑफ अवर चैनल इज़ टोटली फ्री, इसमें किसी भी तरह का कोई भी कॉस्ट नहीं लगता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं इसी तरह की और भी कई नई और परफेक्ट रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल ईट यमीशियस।